रहने वाले एक पीड़ित ने अपनी मां की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दूसरे खाते में पहुंच जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की है। यहां उसने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार भी लगाई है। मामला थाना भुगौर क्षेत्र के हिरवा विकास खंड सुल्तानगंज का है। यहाँ की निवासी जावित्री देवी के दिव्यांग पुत्र ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि पीएम किसान निधि की अब तक 7 किस्तें उसकी मां के खाते में ना पहुंचकर किसी और के खाते में पहुंच गई हैं। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, जिलाधिकारी को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गयी। वही एक बार फिर अपनी माँ की शिकायत को लेकर दिव्यांग पुत्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए पीएम किसान निधि की राशि अपने मां के खाते में दिलवाए जाने की मांग की है। मैं अपने संबंध में भी आया हूं और अपनी माता जी क्या मामला क्या है? मामला ये है, पल्स बढ़ गया। मामला ये है कि हमारी माता जी की 7 किस्त है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाली किसी दूसरे के खाते में जा रही है। इस संबंध में हम करीब 7-8 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, ऑपरेशन हो चुका है, अभी देख लो पल्स फूल गए हमारे यहाँ पे काम में। अच्छा अच्छा, दिक्कत हो रही है। गेट पे एंट्री नहीं हुई गाड़ी की, तो गाड़ी खड़ी करी वहाँ पर, अंदर आया हूँ पल्स फूल गए हमारे, दिक्कत होती है मुझे आने।